राइट पार्टिसिपेंट्स म्यूट। तो बेटा देखो, अब हमको ट्रांसक्रिप्शन तो हमने देखा है, अब आगे चलते हैं हम जेनेटिक कोड की तरफ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जेनेटिक कोड के बारे में कहाँ पे, मतलब कहाँ पे आता है ये जेनेटिक कोड, ये भी तो देखना होगा ना हमको। एमआरएनए के ऊपर होता है कोड, या टीआरएनए के ऊपर होता है, या डीएनए के ऊपर, बोलो जरा। चलो कम ऑन, जेनेटिक कोड किसके ऊपर होता है, कोई बताएगा मुझे? द कोड इज प्रेजेंट ऑन, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज कोडॉन, किसके ऊपर होता है? अरे प्रोटीन सिंथेसिस हमने देखा, डीएनए, डीएनए के ऊपर एमआरएनए फॉर्म होता है। तो सभी लोग बोलेंगे कम ऑन, बस हो तू जा, ओके राइट आदेश, बहुत अच्छे बेटा। तो डीएनए के ऊपर एमआरएनए फॉर्म होता है और इस एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होते हैं, इसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। और वो जो जेनेटिक कोड है वो 3 बेसेस एट अ टाइम के फॉर्म में होता है। मान लो ये कोड है कुछ ए यू जी, तो इससे रिलेटेड एक एंटीकोडॉन रहता है। एंटीकोडॉन किसके ऊपर रहता है, बोलो एक बार। हाँ यस, इसे ट्रिपलेट कोडॉन भी कहा जाता है, इसको ट्रिप, तीन तीन बेस पेयर के फॉर्म में है ना, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है, राइट। अब ये एंटीकोडॉन इसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर रहता है, कौन होता है ये बंदा जिसके ऊपर एंटीकोडॉन रहता है? ये के लिए यू, यू के लिए ये, और जी के लिए सी, इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये कौन है भैया ऊपर जो बैठा हुआ, ये कौन है, चलो बोलो फटाफट। अरे इतनी देर लगाओगे, मैंने बोला था कल ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, पूरा रटा हुआ होना चाहिए, तभी जाके अगला समझेगा। हाँ दीपक, बहुत अच्छे बेटा, आप ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, सिर्फ लेक्चर मत किया करो, लेक्चर जिंदगी भर करते रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ इंस्ट्रक्शन, कल जो पढ़ाया वो पढ़ के ही आना चाहिए, तभी आपको समझेगा अगला वाला। वैसे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ऐसे टाइम पास थोड़ी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा। तो ये है आपका कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ये है आपका एंटी कोडॉन, और ये यहाँ पे जो चिपका होता है वो कौन होता है, बोलो जरा, यहाँ पे क्या चिपका है भैया, बोलो। बोलो, बहुत सही ऋतुजा, बहुत अच्छे बेटा। अरे ऋतुजा अच्छी पढ़ाई है आप लोग आपकी। तो ये अमाइनो एसिड है यहाँ पे, अमाइनो एसिड राइट। तो सिंपल सी बात है, ये अमाइनो एसिड है, तो हम कह सकते हैं कि इस कोडॉन के लिए ये अमाइनो एसिड है, कह सकते हैं ना। अगर कोडॉन AUG होता है तो ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे पैदा होता है, या फिर यहाँ पे अटैच होता है। सो अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन कोडॉन, तो कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड आता है, इसका सर्च साइंटिस्ट ने जारी किया। तो उन्हें क्या क्या दिखाई दिया ये देखते हैं हम, कौन से एंटीकोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड आता है ये उन्होंने नहीं देखा, कौन से कोडॉन से, राइट, समझ रहा है ना, कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड आता है। तो जैसे ही शुरू किया तो उन्हें क्या क्या दिखा, सबसे पहले कोडॉन का मतलब क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस इन mRNA, मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि mRNA के ऊपर रहता है, एंड दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसके ट्रांसलेशन क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहली बात, ये पहला वाला सेंटेंस, mRNA के ऊपर कुछ सीक्वेंस ऑफ बेसिस है उसे कोडॉन कहा जाता है, mRNA में बोल रहा हूं बार बार। उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस डिटरमाइनिंग अ सिंगल अमाइनो एसिड इज कॉल्ड कोडॉन, ये भी तो हमने देखा है, व्हाट इज द कोडॉन, 3 बेसिस एट अ टाइम लो उसे हम एक कोडॉन कहेंगे, ये दूसरा कोडॉन, और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, टोटल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं
वो सभी के सभी प्रोटीन्स इन अमाइनो एसिड्स से पैदा होते हैं। ये देखिए 20 अमाइनो एसिड्स है, राइट, इतने अमाइनो एसिड्स है, इनसे ये पैदा होते हैं प्रोटीन। कौन से है अमाइनो एसिड, जरा देखेंगे हम, अलेनाइन, अर्जिनाइन, एस्पर्जाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, फिर इधर है कौन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलाइन। ये अमाइनो एसिड आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स आपको बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके आगे साइंटिस्ट ने बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत सारी रिसर्च करके, पढ़ाई क्या, रिसर्च करके कौन से कोड से कौन से अमाइनो एसिड आता है ये देखा, तो उन्होंने ये पाया। ठीक से देखेंगे आप, कोई जल्दबाजी नहीं। तो उन्होंने ये पाया कि कभी कभार, अब अगर देखा जाए आपको, ठीक से देखो बेटा, तीन अमाइनो एसिड अगर लेते हो, एक दो तीन, सॉरी तीन बेस पेयर्स, और हमारे पास है 20 अमाइनो एसिड्स। अब 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट कोड्स चाहिए हमको, 20 डिफरेंट कोडॉन चाहिए। यहां तक समझा क्या, हर अमाइनो एसिड का कोडॉन अलग है, तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 अलग अलग कोडॉन होने चाहिए। अरे समझा कि नहीं, यस और नो बोलो, राइट। तो अब देखो, अब अगर हमारे पास इस तरीके से mRNA है और ये है इसका पहला कोडॉन, मान लो ए यू जी, दूसरा कोडॉन है आपका सी जी सी, ऐसे अलग अलग कितने कोडॉन पैदा किए जा सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 अलग अलग बेसिस है, ए यू जी सी, इन चारों को मिला के हम यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे जी रख सकते हैं, फिर सी, फिर यहाँ पे सी, फिर जी, फिर यहाँ पे ये, मतलब ऐसे कई तरीके हैं अमाइनो एसिड को यहाँ पे अरेंज करने के। तो हम यहाँ पे मान लो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप अगर लिखते बैठोगे तो क्या लिखोगे, ये ए ए ए ए यू ए ए जी ए ए सी ए जी ए ए सी ए, समझ रहा है ना, ऐसे अलग अलग कितने निकालोगे, इतना लिखना मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी से आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर चारों में से किसी एक को बिठा दो, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर चारों में से किसी एक को बिठा दो, यहां पर चारों में से किसी एक को बिठा दो, तो ऐसे आपको 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनके मिलेंगे। कॉम्बिनेशन कह रहा हूं मैं, सॉरी परम्यूटेशन होंगे, लेकिन छोड़ो आपको क्या करना है, उन्हें परम्यूटेशन कहा जाता है, लेकिन आपको क्या परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या, आप थोड़ी मैथ्स पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे 64 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगी अगर आप करके देखोगे तो। लेकिन हमारे पास तो अमीनो एसिड 20 ही है, तो ये 64 का कोई मतलब काम नहीं ना, समझ में आ रहा है क्या, हमें सिर्फ डिफरेंट 20 कोड्स चाहिए थे, लेकिन चार बेसिस मिला के 64 डिफरेंट कोड बना सकते हैं, तो अमीनो एसिड से ज्यादा कोड हो रहे हैं, राइट, यस और नो, नंबर ऑफ कोड्स या फिर नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये समझ में आ रहा है क्या, अरे ये वर्ड समझ में आया क्या, बोलो यार फटाफट बोलो। हाँ, तो बाद में क्या हुआ, अरे दीपक समझ में आया तो बोलो, यस दीपक बेटा समझ में आया क्या, हाँ तो बोलो ना यस, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट है। तो उन्होंने पाया कि भैया ऐसा नहीं है, मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड ऐसा तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है, उन्होंने पाया कि जैसे देखो यू 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 और यू यू सी, ये सेम कोड है या डिफरेंट दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है या सेम दिख रहा है, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो, डिफरेंट है, ये डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है डिफरेंट, लेकिन ये दोनों एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, पीएच ई, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, देखे अगर हम
पीएचई कौन है, यहां पे देखो पीएचई कहां पर, ये फिनाइल एलेनाइन 14 नंबर वाला फिनाइल एलेनाइन पीएचई को ही कोड करता है। ये दोनों बंदे पीएचई को कोड करते हैं, जैसे कि आप टेबल में देखो यहां पे दिया है इन्होंने, ये देखो ये दोनों पीएचई को ही, ये भी कोडॉन और ये भी कोडॉन, ये दोनों पीएचई को ही कोड करते हैं। तो उन्होंने फिर बाद में देखा कि भैया कोड सिर्फ इन दोनों से मिला है, ये तीसरी पोजीशन कभी कभार डिफरेंट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरी पोजीशन को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब उन्होंने ये पाया कि ये जो कोडॉन है यू 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 और ये ऊपर जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन रहता है, यहां पे सिर्फ होता क्या है यू के साथ ए और ये, इन दोनों की पेयरिंग होती, ये तीसरे वाले की पेयरिंग नहीं होती, उतनी स्ट्रिक्ट पेयरिंग यहां पे नहीं होती। तो ये दो मैच हुए तो भी चलता है, नहीं हुए तो भी चलता है, सिर्फ पहले दोनों को मैच करना है, तीसरा वाला कुछ भी हो तो कई केसेस में चल रहा है। जैसे कि यू यू, यहां पे यू भी है तो पीएचई आता है, सी भी है तो पीएचई ही आता है, लेकिन ये है तो पीएचई नहीं आता, ये एलईयू आता है, ल्यूसाइन होगा। देखे तो एलईयू कौन है भैया, एलईयू किधर देख रहा है, अरे दिख जा भी, हाँ ल्यूसाइन है राइट। तो तीसरी वाली पोजीशन कभी कभार रिलैक्स की गई है तो कभी कभार नहीं भी की गई, मतलब उसका कुछ इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो कोडॉन है उस कोडॉन के पहले दो पोजीशन तो बहुत ही मतलब खास है, वो एग्जैक्ट पेयरिंग करते हैं एंटी कोडॉन के साथ, लेकिन तीसरी कभी कभी तीसरी को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है, तब जाके उन्हें 20 अमीनो एसिड्स के अलग अलग कोड पता चल गए। जैसे कि कब कब रिलैक्स हो रहा है, देखो यहां पे तीसरी पोजीशन को रिलैक्स किया गया है, मतलब तीसरी पोजीशन पर यू है तो भी पीएचई आ रहा है, सी है तो भी पीएचई आ रहा है, तो इन दोनों को उतना मतलब इतना स्ट्रिक्टली लेने की जरूरत नहीं है तीसरी पोजीशन को। फिर और ऐसा कहां पर है, देखिए ये देखिए, ये दो पोजीशन फिक्स है सेराइन के लिए, अरे इनके नाम छोड़ दो यार, एस ई आर, ये जो अमाइनो एसिड है उसके लिए ये दो, देखिए दो पोजीशन फिक्स है, दो पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। ये टेबल कैसे बनाए, यू और सी का, यू और सी से क्या बनेगा, यू सी यू सी यू सी और यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी। तो ये पहले दो पोजीशन दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द कोडॉन, लेकिन द थर्ड पोजीशन इज रिलैक्स्ड, थर्ड पोजीशन कुछ भी हो तो भी चलेगा, मतलब देख रहे हो ना, समझ रहा है ना आपको क्या हो रहा है। सो इन कोडॉन, इन अ कोडॉन फर्स्ट टू पोजिशंस आर स्ट्रिक्टली मैच्ड फॉर ए गिवन अमीनो एसिड, बट द थर्ड पोजिशन इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, वो कुछ भी हो तो भी चलता है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में उतना भी नहीं चलता। जैसे कि देखो यू ए यू ए टायरोजिन के लिए ये है, लेकिन यहां पे यू है तो भी टायरोजिन है, सी है तो भी टायरोजिन है, लेकिन ये आता है तो टायरोजिन नहीं आता। मुझे यही कहना है कि कोडॉन में तीसरी पोजीशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कई बार दो दो कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास भले ही अलग अलग 64 कोड्स है लेकिन अमीनो एसिड्स 20 ही कोड होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही कोड इतने सारे, ये देखो कि कोड इतने सारे, अमीनो एसिड बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनकी जोड़ी क्यों बन रही है, क्योंकि हो क्या रहा है पता है क्या आपको क्या हो रहा है, क्योंकि ये दो तीन अमीनो एसिड एक ही कोड को कोड कर रहे हैं, ये तीन अमीनो एसिड एक ही, सॉरी तीन कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये दो कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसीलिए 64 कोड्स 20 अमीनो एसिड के साथ काम कर रहे हैं। समझ में आया क्या? और ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज थर्ड पोजिशन ऑफ द कोड इज रिलैक्स्ड, 1 2 3
उनमें से पहली दो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी पोजीशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी कभी गलत भी हो सकती है। तो गलत होने को एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, वोबल, मतलब ऐसी व्यक्ति, ऐसी चीज जो अपनी पोजीशन से बहकती रहती है, भटकती रहती है। वोबल होना मतलब हिलना डुलना, स्टेडी नहीं होना, कांस्टेंट नहीं होना। तो यही हो रहा है ना, सेराइन के लिए यू और सी कांस्टेंट है, लेकिन ये बदल रहा है ना, कभी यू है तो कभी सी भी है, कभी ये भी है। सो दिस इज द चेंजिंग पोजिशन, दिस इज द वोबलिंग पोजिशन। वोबलिंग मतलब हिलना डुलना। सो दिस इज कॉल्ड एज वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस, व्हाट इज वोबल हाइपोथेसिस? इट स्टेट्स दैट थर्ड पोजिशन ऑफ ए कोड इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज, इट कैन मूव, इट कैन चेंज, इट कैन वोबल, इट कैन वोबल। समझ में आया वोबल हाइपोथेसिस क्या है? एनसीईआरटी में शायद दिया नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया अभी। वोबल हाइपोथेसिस समझ में आया? वोबल हाइपोथेसिस अबाउट द कोडॉन, थर्ड पोजिशन ऑफ द कोडॉन इज वोबलिंग, इज चेंजिंग, इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट फिक्स्ड। चलो, तो कोडॉन के बारे में हो गया। अब यहां पे क्या क्या दिया है देखते, यहाँ पे कुछ और रह गया क्या? हाँ, यहाँ पे दो चार नाम है वो आपको याद करने होंगे। इंडिया का भी एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, तो यहाँ पे किसने किसने क्या किया है, काम मेहनत की है। चलो साइंटिस्ट को देख लो। जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट फॉर कोडिंग 20 अमाइनो एसिड्स कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इतना तो उन्होंने बताया, जॉर्ज गैमो ने, राइट? इतना ही बताया, द कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स, सॉरी 3 बेसिस, ट्रिपलेट कोडॉन, जॉर्ज गैमो ने बताया। लेकिन हर गोविंद खुराना, दिस इज इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है? अब वो अमेरिकन ही खुद को मानते, जब तक इंडिया में थे तो थे, वो पढ़ाई करके जब इंडिया में आए, इंदिरा गांधी जी से उन्होंने बोला कि मुझे एक लेबोरेटरी चाहिए रिसर्च करने के लिए, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि इतने खर्चे वाली लेबोरेटरी तो मैं नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरा देश गरीब है, वी आर पुअर पीपल। तो ये हर गोविंद खुराना, चलिए ठीक है मैं जाता हूँ, ये बोले यूएस को चले गए। जब ये यूएस को चले गए तो वहाँ पे उनको लेबोरेटरी मिली, वहाँ उन्होंने कुछ रिसर्च वर्क किया और उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया इसी काम के लिए। क्या काम किया हम देखते हैं, इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तब इंदिरा गांधी जी ने उन्हें लेटर लिखा कि यू आर प्राउड ऑफ यू दैट यू आर एन इंडियन। तो फिर हर गोविंद खुराना ने वापस लेटर लिखा कि सॉरी आई एम नॉट इंडियन एनी मोर। ठीक है, ठीक है, उनको लगा होगा कि यार मुझे नहीं मिला जो चाहिए था इंडिया में, लेकिन हम भी तो अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं ना। तो आज एक स्टोरी है, बता दी मैंने। तो हर गोविंद खुराना डेवलप द केमिकल मेथड, क्या किया देखते हर गोविंद खुराना जी ने, इंडियन साइंटिस्ट है ये, इंडियन ओरिजिन के है ये। ही डेवलप्ड केमिकल मेथड इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर। छोड़ यार, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की उन्होंने एक मेथड निकाली, जो कि वो जैसी चाहे वैसे आरएनए मॉलिक्यूल को पैदा कर सकते थे, जैसे बेसिस चाहिए वैसे बेसिस वो लगा सकते थे। पहले ये चाहिए तो ये, दूसरा चाहिए यू तो यू, तीसरा सी, फिर जी। आरएनए को कैसे पैदा करना है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, उसकी एक केमिकल मेथड उन्होंने खोज निकाली। उसके बाद है मार्शल नरेनबर्ग। ये होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होता है आपको 12th क्लास में पॉलीमर चैप्टर में समझेगा केमिस्ट्री के। मार्शल नरेनबर्ग डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
ये नरेनबर्ग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन तो पैदा हो रहे हमारे बॉडी में बट विद इन द सेल। तो उन्होंने लेबोरेटरी में ऐसी एक सिस्टम पैदा की कि जहाँ पे सेल की जरूरत नहीं थी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ना, वैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया। उसके बाद है सेवेरो ओकोवा, उन्होंने क्या किया, सॉरी सेवेरो ओकोवा, यहां पे ये जो ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम को जरा ठीक से पढ़ लो एक बार, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या कहता है फॉस्फोराइलेज, जरा ठीक से देखो पढ़ लो एक बार, ये सेवेरो ओकोवा जो है ये खुद एक साइंटिस्ट भी है, नोबेल प्राइज विनर भी है, और उनके नाम से एंजाइम भी है, सेवेरो क्या ये सेवेरो ओकोवा, ठीक से देखो एक बार इसको, सेवेरो ओकोवा, सेवेरो ओकोवा एंजाइम, उस सेवेरो ओकोवा एंजाइम का दूसरा नाम है क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। दिस एंजाइम इज यूज्ड टू पॉलीमराइज आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब जो हमारा एक मिनट है थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो देखो यहाँ पे ये क्या करता है, अब तक तो हमने देखा कि mRNA जो है वो DNA के ऊपर ही पैदा होता है, राइट, DNA चाहिए, टेम्पलेट चाहिए उसको, और टेम्पलेट के ऊपर mRNA पैदा होता है। तो यू नो ये एंजाइम जो है सेवेरा ओकोवा, ये एंजाइम mRNA को विदाउट टेम्पलेट भी पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ये छोटी छोटी जानकारी है, मैंने बोला ना एक बार स्टोरी पता है तो स्टोरी के बाद छोटी छोटी जानकारी लेना आसान होता है, लेकिन स्टोरी के बीच में इतनी जानकारी दे दोगे तो बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने अब ये जानकारी छोटी मोटी बाद में देना अच्छा समझा। अब सैलियंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, क्या है ये जेनेटिक कोड, तो ट्रिपलेट कोड, इट इज 3-letter कोड, ये भी हमने देखा, कोडॉन भी कहते हैं इसको, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, टोटल तो हमने देखा कि 64 कोड्स पॉसिबल है, राइट, तीन बेसेस के परमिटेशन से, थ्री बेसेस ऐसे परमिटेशन को लिखा जाता है, आउट ऑफ 4 बेसेस 3 आर टेकन एट अ टाइम, तो टोटल 64 परमिटेशन होते हैं, तो 64 में से 61 ही कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, तीन कोडॉन्स है जो कि UAA, UAG और UGA, they do not code for any amino acid and they act as stop codons or termination codons or उन्हें nonsense codon भी कहा जाता है। मतलब mRNA के ऊपर जब protein synthesis चलता है तो ये UG ये start codon होता है और stop codon इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, UAA, UAG, UGA, इनमें से कोई भी कोडॉन राइबोसोम के अंदर चला जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस वहां पे रुक जाता है। इसके आगे और AUG हो सकता है, मैंने बोला ना एक mRNA के ऊपर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पैदा हो सकती है, लेकिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन AUG से शुरू होकर ऐसे ऐसे होकर जैसे ही ये राइबोसोम के अंदर घुसेगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी और इसका एक अपना खुद का मतलब पॉली जो भी है ये टूट जाएगी। फिर अगर इसके आगे AUG है उसी mRNA के ऊपर तो फिर और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होगी, फिर और एक स्टॉप कोडन आएगा वहां पे वो रुकेगी। तो एक mRNA एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है, मैंने कल बोला था
क्योंकि एक एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होते हैं। एक सिस्ट्रॉन का मतलब होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक सिस्ट्रॉन के अंदर एक स्टार्ट कोडॉन और एक स्टॉप कोडॉन रहता है। ये हमने कल देखा है बहुत डिटेल में, उसको जरा देखना होगा आपको। एक डीएनए के ऊपर का एक ही आर एक डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन्स होते हैं। एक जीन के ऊपर एक आरएनए पैदा होगा। एक आरएनए वो अगर एमआरएनए है तो वो अमाइनो एसिड पैदा करेगा, या एमआरएनए के ऊपर काफी सारे सिस्ट्रॉन रह सकते हैं, वो सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को पैदा कर सकता है। हम बाद में देखेंगे कि जी यहाँ पे प्रोटीन कहाँ से आता है, प्रोटीन की जरा स्टोरी बाद में, अभी पॉलीपेप्टाइड ही याद रखना है आपको। एक सिस्ट्रॉन मतलब एक पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो आगे ये है टर्मिनेशन कोडॉन। सो तीन छोड़ के बाकी 64 में से तीन चले गए, 61 बचे, वो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। वाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग तक यू यू यू, ये जो कोडॉन है इट ऑलवेज कोड्स फॉर फिनाइल एलेनाइन। ऐसा नहीं कि ह्यूमन में अलग है, बैक्टीरिया में अलग है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की तरह। सम एक्सेप्शंस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोडॉन होते हैं वहां पे कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, एंड इन सम प्रोटोजोन। नो पंक्चुएशंस बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन्स, कॉमालेस कोड कहा जाता है। मतलब मैंने बोला ना, ऐसा नहीं होता, ये कोडॉन ऐसे नहीं होते, तीन यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर, ऐसा नहीं है। वो लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं, इन तो तीनों को अलग लिखते, इनको अलग लिखते। सो देर इज नो स्पेस, देर इज नो कॉमा, देर इज नथिंग 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 बिटवीन देम। द कोडॉन इज रेड इन एम आर एन ए इन कंटिग्यूअस फैशन, कंटिन्यूअसली पढ़ा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक कोडॉन को पढ़ के फिर उसके बाद रुक गए उनमें से, फिर क्या किया, चलिए ऐसा किया कि चलो भैया पहले इन तीनों को पढ़ लिया, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये तीन पढ़ लिए, फिर इन चार लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअसली पढ़ा जाता है उसको। उसके बाद जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, एक कोड दूसरे के अंदर घुसता नहीं, कंप्लीट उनके अंदर डिस्टेंस रहता है। अगर ए एक कोड है यहां से यहां तक, तो दूसरा कोड कंप्लीटली यहां से आगे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कोड यहां से यहां इसके अंदर घुसा हुआ है। मतलब ए यू जी, फिर उसके बाद यहां से यहां तक ही एक कोड होगा, सी यू सी, फिर दूसरा कोड यहां से यहां तक ऐसा नहीं होगा, यहां से ही आगे होगा। सो इट इज नॉट ओवरलैपिंग। उसके बाद अ सिंगल अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय मेनी कोडॉन्स। ये भी तो हमने देखा कि एक अमाइनो एसिड के लिए कई सारे कोडॉन भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट एयूजी फॉर मिथियोनाइन एंड यूजीजी फॉर ट्रिप्टोफैन। मिथियोनाइन के लिए सिर्फ एक ही कोड है, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही कोड है, बाकी सभी अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड पाए जाते हैं। सच कोडॉन्स आर कॉल्ड डीजेनरेट कोडॉन्स। मतलब ऐसे कोडॉन्स, एक्चुअली ऐसे अमाइनो एसिड जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, ऐसे कोडॉन्स को डीजेनरेट कोडॉन कहा जाता है, इतना याद रखो। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, ये हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जेनेटिक कोड की। वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड। इसका मतलब है, जरा ठीक से देखो, एक कोडॉन से एक ही अमाइनो एसिड पैदा होगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, वन मेनी फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, ऐसा रहता है। छोड़ो क्या है, जैसे कि मैं बताता हूं, -2 और +2 दोनों का स्क्वायर 4 ही आता है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी चीजों का स्क्वायर एक ही आ रहा है। मतलब ये दो कोड्स है लेकिन उनका अमाइनो एसिड एक ही है। तो यहां पे क्या कह सकते हैं हम, एक स्क्वायर के लिए एक ही स्क्वायर रूट मौजूद है, ऐसा नहीं, लेकिन एक स्क्वायर रूट के लिए एक ही स्क्वायर मौजूद है। अरे समझ में आया क्या, अरे मेनी वन और वन मेनी, ऐसे होता है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं बेटा।
पंक्चुएशन से रिपीट करतो पण हे समजलं का सांगा आधी मेनी वन आणि वन मेनी हे बघा इकडं आणि इकडं काहीतरी गोष्टी आहेत असं असलं की वन मेनी फंक्शन असं म्हणतात आणि जर असं असलं मेनी वन म्हणतात मेनी वन कळाय रे का रे मेनी वन म्हणजे बऱ्याच जण बऱ्याच कोडचा आहे जाऊ द्या ह्याची काही गरज नाही तुम्हाला कोड आणि इकडं अमाइनो ऍसिड दोन तीन कोड पासून एकच अमाइनो ऍसिड बनतो कधी कधी एकाच कोड पासून एकच अमाइनो ऍसिड बनतो तर आपण असं म्हणू शकतो का एक कोड फक्त आणि फक्त एकच अमाइनो ऍसिड ऑलवेज देणार दुसरा अमाइनो ऍसिड तो कधीच देऊ शकत नाही सांगा बरं यस और नो वन कोड कळलं नाही का सांगतो थांबा जरा तुम्हाला हे वाक्य कळणार आलं सांगतो बघा आता मायनस दोन आणि दोन ह्या दोघांचा वर्ग चार आहे मग मी असं म्हणू शकतोय का मायनस दोनचा वर्ग फक्त एकच संख्या आहे असं म्हणू शकतोय का दुसरी संख्याच नाही मायनस दोनचा वर्ग मायनस दो का स्क्वेअर एक ही संख्या आहे दुसरी संख्या आहे ही नाही यस ऑर नो अरे बोलो तो यस ऑर नो ये भी नहीं समझा अरे मायनस दो का स्क्वेअर दुसरी संख्या है ही नहीं समझा या नहीं इतना बोलो हाँ समझा ना मतलब दीपक समझा या नहीं बोलो एक बार नो है तो नो ही बोलो बेटा क्योंकि मुझे और एग्जांपल लेना पड़ेगा फिर नो है तो नो ही बोलना है समझा तो ही यस बोलना है माइनस दो का स्क्वेयर एक ही संख्या है दूसरी कोई संख्या ही नहीं है वो है चार नो है तो नो बोलो बेटा प्लीज देर इज नो नीड टू से यस एक वर्ड समझ में देर इज ओनली वन स्क्वेयर ओनली वन स्क्वेयर ऑफ माइनस टू लेकिन ऐसा कह सकते क्या माइनस सॉरी चार का स्क्वेयर रूट एक ही संख्या है ऐसा कह सकते क्या चार का स्क्वेयर रूट माइनस दो भी हो सकता है दो भी हो सकता है चार का स्क्वेयर रूट एक ही संख्या है ऐसा नहीं कह सकते समझ में आया क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या चार का स्क्वेयर रूट एक ही संख्या है ऐसा हम नहीं कह सकते लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस दो का एक ही स्क्वेयर है या फिर दो का एक ही स्क्वेयर है ऐसा हम कह सकते हैं वैसे ही कोड्स इधर है और ये अमाइनो एसिड ये तीनों कोड्स मिलके एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे तो हम ऐसा कह सकते हैं एक कोड सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ही कोड होता है एक कोड से एक ही अमाइनो एसिड पैदा होगा या फिर अरेंज होगा लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए एक ही कोड है ऐसा नहीं कह सकते ये सेंटेंस समझ में आया क्या नहीं समझ में आया ये ऊपर वाला तो समझ में आया अरे कितना आसान है बहुत आसान है चलो यार शर्ट है आपके घर में अब क्या शर्ट ने और क्या कह सकते ऐसी कौन सी चीजें जो आप हर ठीक है शर्ट्स है आपके घर में शर्ट्स अलग अलग है शर्ट्स यस वन यस टू यस थ्री और आप एक ही पहनने वाले लड़के हो देयर इज ओनली वन बॉय और आपके क्लास में किसी दो लोगों के शर्ट समान है ही नहीं हर किसी का शर्ट अलग है ऐसा मान लो तो मैं क्या कह सकता हूं ये बॉय को हम अमाइनो एसिड की तरह पकड़ेंगे और इसको हम कोड की तरह पकड़ेंगे तो यही बंदा कभी ये शर्ट पहनता है कभी ये शर्ट कभी ये शर्ट तो मैं ये कह सकता हूं एक लड़का एक से ज्यादा कपड़े पहन सकता है ये कह सकता हूं लेकिन एक
कपड़े से एक कपड़े को एक से ज्यादा लड़के नहीं पहन सकते। अरे समझ में आया कि नहीं, बोलो जरा। एक कपड़े को एक से ज्यादा लड़के नहीं पहन सकते। ऋतुजा आप बोलो, ऋतुजा। एक कपड़े को एक से ज्यादा लड़के नहीं पहन सकते, लेकिन एक लड़का ज्यादा कपड़ों को पहन सकता है। हाँ राइट। तो सिंपल सी बात होती है, ऐसा नहीं एक कपड़ा मतलब एक लड़का ज्यादा कपड़े पहन रहा है इसका मतलब है एक कपड़ा भी ज्यादा।